गाइस वेलकम टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों संडे को एक नया इतिहास ये फिल्म बना रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट किया जा रहा है कि मंडे का एडवांस कैसा है, मंडे को ये फिल्म गिर गई है, फलाना लोग ने ये बता दिया है, फलाना यूट्यूबर ये कह रहा है, फलाना वो कह रहा है। कम से कम 20-25 कमेंट आए, ज़्यादा ही आए होंगे, मैंने 20-25 कमेंट पढ़ा। यहाँ संडे इतिहास फिल्म लिख रही है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मंडे का एडवांस कितना है, मंडे कलेक्शन कितना आएगा, फलाना यूट्यूबर कह रहा है कि 2 करोड़ की एडवांस है, 3 करोड़ की एडवांस है। आप बताओ, मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे बनाना पड़ता है कि आप जो भी यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं ना, वो कोई ट्रेड एक्सपर्ट नहीं है, वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, वो कोई ट्रैकर नहीं है, उन्हें तो बॉक्स ऑफिस की ज्ञान भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। सोमवार के दिन यानी वीकेंड जब ख़त्म हो जाता है ना, तो एडवांस में टिकटें नहीं बिकती है। एडवांस में टिकटें तब बिकती हैं, वीकेंड में बिकती है, ताकि पब्लिक चाहती है पहले टिकट हम ले लें। एडवांस में टिकट क्यों, कोई क्यों खरीदेगा भाई, जब उसे बुक माई शो का चार्ज पे करना होगा एक्स्ट्रा, क्यों खरीदेगा। वीकेंड में टिकट तो आसानी से मिल जाएंगे ना, और कैपेसिटी यहाँ इतना ज़्यादा है, एग्जीबिशन में तो कोई कमी नहीं है, स्क्रीन्स बहुत हैं, 16,000-17,000 शो हैं दोस्तों, तो कौन एडवांस बुकिंग करेगा। आराम से टिकटें मिलेंगी, और मंडे के बाद से स्पॉट बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पठान का जो पहला मंडे था, यहाँ तो इसका पहला मंडे 5वां दिन है, पठान का पहला मंडे आई थिंक 6वां दिन था, तो पठान का एडवांस था 5 करोड़ 12 लाख का, और तब जाके वो फिल्म 26 करोड़ कमाई दोस्तों, 26 करोड़, 5 करोड़ एडवांस करने के बाद 26 करोड़ कमाई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जवान का एडवांस बुकिंग 6 करोड़ का है, शाम 6 बजे तक 6 करोड़ का एडवांस है, और मुझे लगता है कि ये और बढ़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 करोड़ मंडे को आ रहा है, क्योंकि इसकी जो बुकिंग होगी, पब्लिक फिल्म सबसे ज़्यादा देखने आएगी दोपहर में, इवनिंग में और नाइट में। जवान सबसे ज़्यादा लोग देख रहा है इसी 3 टाइम पे, मॉर्निंग में बहुत कम लोग देख रहा है, वीकेंड में देखा, लेकिन अब इस फिल्म को सबसे ज़्यादा लोग देखेगा इवनिंग में और नाइट में, क्योंकि फैमिली आएगी, स्पॉट में टिकटें बिकेगी। एडवांस में कोई टिकट नहीं लेता भाई, कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है ना कि भाई मंडे का एडवांस नहीं है, कलेक्शन नहीं आएगा, तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है, तो उनका वीडियो देखना आप बंद करें। अब देखें ना देखें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि पठान 5 करोड़ 12 लाख का एडवांस लेके 26 करोड़ कमाती है ऑल इंडिया, 25 करोड़ हिंदी कमाती है, तो यहाँ तो 6 करोड़ का एडवांस है 6 बजे तक, जो कि 12-13 करोड़ का ये हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये 30 से 35 करोड़ का मंडे आएगा। आप देखना इवनिंग और नाइट शो ये बहुत तगड़ा उछाल लेगा, क्योंकि ये फिल्म चिपक गई है, और संडे का कलेक्शन अभी आने दें, उसे एंजॉय करें। आप लोग मंडे पे चले गए हैं, मंडे को तो हर फिल्म में गिरती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मंडे को भी 50 करोड़ 60 करोड़ आए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मंडे को फिल्म गिरेगी, 30 करोड़ भी आए तो बहुत अच्छा है। तो आप देखते रहें FF न्यूज़, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि वीकेंड के बाद स्पॉट में टिकटें बिकती है, एडवांस में नहीं बिकती है। एडवांस में बिकेगी सैटरडे और संडे को, फिर अगला वीकेंड में। टेक केयर।